पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह जी, टीओ साहब, रेवेन्यू मिनिस्टर जिंपा जी, साडे गवर्नर, गवर्नमेंट के जिन्हें रिफॉर्म्स करने ने कुछ नवे आईडीए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के मिनिस्टर साथी अमन अरोड़ा जी, साडे एनआरआई नाल संबंधित मामले बारे मंत्री धारीवाल साहब, कटारू चक जी, डॉक्टर बलजीत कौर, हरजोत बैंस जी और साडे राज्यसभा के मैंबर डॉक्टर संदीप पाठक जिहड़े कि संगठन के भी प्रभारी ने, पूरे देश के जनरल सैकटरी ने पार्टी के, जरनैल सिंह जी जो बहुत लंबे समय तो पंजाब मामले के इंचार्ज ने, सारे जिन्हें भी साडे चेयरमैन साहब, एमएलए साहबान, मेरे सामने बहुत सारे एमएलए साहबान बैठे हैं और वलंटियर साहबान बैठे हैं, मैं जानता अद्धे तो वध नूं मैं बाई नेम बाई फेस भी जानता, मैं क्योंकि तुहाडे विच कितें ना कितें रैलियां च मिलते रहे हैं। सारे नूं मेरे वल्लों अज इत्थे आउण ते स्वागत भी है, मेरे वल्लों तुहाडा चलिया होया इक कदम साडे सिर मत्थे बतौर पार्टी का प्रधान मैं तुहानूं जी आयां नूं कहना, ते नाल नाल पहला मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। अज कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, अज परिवार दीआं गल्लां ने आपस च, क्योंकि आम आदमी पार्टी का परिवार बैठा सारा, सो परिवारों के विच जो सफल परिवार ने, आपां जे पंजाब की भी गल कर लिए, जिन्हें भी सफल परिवार ने, वह सफल परिवार एक उन्होंने गल सांझी होंदी है कि ज्वाइंट फैमिली है, दो भाई ने जी कट्ठे ने, तीन भाई ने जी कट्ठे ने, हर साल दो एकड़ तीन एकड़ जमीन बढ़ जाती है, क्योंकि कट्ठे रहना ज्वाइंट फैमिली, दुखा सुखा भी कट्ठे ने इंजॉय करना है, दुखा घटाना है, क्योंकि सियाने कहते हैं खुशियां वंडन नाल दुगणियां हो जांदियां, दुख वंडन नाल अधे रह जांदे आ। सो परिवार जदों इकट्ठा होवे बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर सहारा मिलता है। सो अज आम आदमी पार्टी का परिवार बैठा मेरे सामने, मैं दो चार गल्लां करूंगा। इस पक्षों तो डॉक्टर संदीप पाठक जी ने दस्सिया कि मेहनत पक्षों तो अज मैं सारा सामने कहना, मीडिया भी बैठा, मेहनत पक्षों तो पंजाबियों ते कोई शक ना करे, असी बहुत ही हार्डवर्किंग कौम हाँ, असी मिट्टी चो सोना उगा लें, असी तो उन्हां देशों जाके भी कामयाब हो गए जिथे गलती ना चले गए, चल हुण आ गए यार इत्थे कामयाब हो जाने। सो इस करके साडी जिहड़ी ब्लड दे विच साडे गुरुआं ने जिहड़ी गरीबां दे हक च खड़न दी, मजलूमां दे वास्ते लड़न दी जिहड़ी सानूं पिउंद चाढ़ी है ना, वह बहुत कमाल चीज है, वह तो चीज किसी होर को नहीं हैगी पंजाबियों तो बिना। सो जिहड़ी चीज नूं असी धार लीए कि करना है असी कर लैंदे आ, जिहड़ी चीज नूं असी दिल दे विच एक बारी जगह दे दीए तां असी फिर उहनूं निभाउंदे आ। आम आदमी पार्टी 2012 च बनी, चौदह च मैं पहली इलेक्शन लड़िया संगरूर तो, जिथे भी जाता सी जिहड़े पिंड भी कोई भी वलंटियर नहीं सी, कोई ब्लॉक प्रधान नहीं सी, कोई पिंड का प्रधान नहीं सी, मैं जाता सी इथों तक कि कोई स्टेट सैकटरी भी नहीं सी, जिहड़ा ये कह दे भी हुण तुहाडे सामने भगवंत मान जी विचार रखणगे, मैं आप ही मैं एक फड़ लैंदा सी, आप ही शुरू कर लैंदा सी, जदों मैं भाषण बंद हो जाता सी प्रोग्राम खत्म हो जाता सी, बाद च कोई धन्नवाद करने वाला भी है नहीं सी, पर नाल असी रजिस्टर लेके जाते होंगे सी, एक मुंडा अभी तीन मुंडे ड्यूटी लाई हुई सी, तू एक मैं बाद च कहता सी भी जिहड़े जिहड़े आम आदमी पार्टी के मैंबर बनना चाहते ने आ कापी वाला बैठा है, मैं तो चले जाना अगले पिंड, तुसीं उहनूं नां लिखा दिओ सारे, वह अगले पिंड दूजी कापी वाला हुंदा सी,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਚੋਗ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਿਪਲਨ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੱਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਥੱਲੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਘੰਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਹੌਲੀ 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 ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ 15 ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 11 ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕੀ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ 11 ਖੇਡਦੇ ਆ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹ ਚਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਜੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਹਲੀ ਸੈਂਚਰੀ ਲਾਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਰਨ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹ ਟੀਮ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘੱਟ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜਾ ਆ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ
इंग्लैंड वाले ने क्रिकेट की खेड उन्होंने कटी सी अल चाहे उन्होंने क्रिकेट जी है पांच पांच दिन से मैच खेलते सी क्रिकेट उन्हें 200 साल तक अपने राज करके इसका मतलब पहले भी खेलते हो 300-400 साल पुरानी खेड है जिन्होंने 300 साल पहला खेड इजाद की कार्ड कटी सी आज खेड है उन्होंने इस वर्ल्ड कप च सब तो मगरों खेडन लगी टीम ने हराता जी अफगानिस्तान वाले ने वो हजे हजे 5-7 साल ही हो गए बेचारे खेडद क्योंकि टीम के तौर पर खेडे होते हो इंग्लैंड अफगानिस्तान ने हराता कारण यह नहीं है कि इंग्लैंड वाले कोई माड़ा खेडे पर उस दिन अफगानिस्तान का टीम वर्क वधिया सी वो जित गए सो अपनी टीम है कि गुस्से गिले शिकवे लोकतंत्र का हिस्सा ने बल्कि वधिया गल है गुस्से गिले शिकवे चो आइडियाज मिलते ने बड़िया बड़िया जिहड़ियां कंपनियां ने ब्रेन स्ट्रोमिंग करवाउंदियां ने अपने इंपलाइज की आपस के इको गल विषय से अपने अपने विचार रखो फिर उन्होंने चो कोई ना कोई कॉमन मिनिमम पॉइंट बना के कुछ ना कुछ निकल आता है सो थोड़े को भी होंगे शायद गुस्से गिले कि मैं मैनू आए नहीं होया मैं आ चाहता सी पर मैं थोड़ा इन्ना कहना चाहना नीयत खोटी नहीं हैगी अज भी मैं उम्मीद जिम्मे आया थोड़े को मैं थोड़ी अज फिर कहना मेरे वह भी याद है मैं भी उदों भी कहता सी अभी कि जदों धुप्पे सी तो सारे धुप्पे सी जो छावे होवे तो सारी छावे होवे छां सारे ते आऊगी हो सकता 2 महीने 4 महीने लेट हो जाए सो असी बहुत वाचफुली बहुत केयरफुली असी एडजस्टमेंट करते हैं ये बंदे काम कर सकते हैं और साडे बहुत वधिया वॉलंटियर जिहड़े ने बहुत वधिया चेयरमैन साबित होए ने मैं यही तो कहना हुंदा सीगा कि इन्हां नूं कह दो दूजिया पार्टियां नूं उन्हां दे धीआं पुत्तां नूं कह दो जिहड़े चेयरमैन बने बैठे ने कि अपने बोरी विस्ते बन लैन क्योंकि आम लोगों के धीआं पुत्त आ रहे ने आ गए ना फिर आम लोगों के धीआं पुत्त एक सब्जी की रेहड़ी लाने वाला थप्पड़ चेयरमैन बनाया मंडी बोर्ड का मार्केट कमेटी का मार्केट कमेटी सो है आलो आम और इन्हें मैं सुनिया मैं इन्हू कहते भी तू चेयरमैन लाता ते आ जाओ कहते फिर उ लड्डू वगैरह एक कहते राज वाली सब्जी ये तो बेच लैन दो खराब हो जाओ कहना ये मैं क्या मैंने बड़ा चंगा लगे यार मैं क्या कमाल है इन्होंने लोगों तो छटा के ना जेडे धियां पोते इन्हों बैठे होंगे सी लाल बत्तियां ला के की गल साडे जवाकों के गड्डिया से लाल बत्तियां लगदिया नहीं है चुंबक खराब है जो साडे धियां पोतों बहना नहीं आता कुर्सी पर ताड़ियां मारो अपने आप वास्ते तुसी देखो घबराहट तो सुने होनी तुसी तड़फाहट देखो इन्हों की हूँ कहो जी गलों से आके उलचे छोलिया से उतरे होना है दसो मतलब किड्डी वड्डी पार्टी सी अकाली दल किड्डे वड्डे चाबियां का मोर्चा कदे जैतों का मोर्चा कदे कोई मोर्चे लाने वाली पार्टी कुलचे छोलिया से आ गए हूँ सिंगरां दी आवाजां बदल के गाला कढ़न ते आ गए कमाल कुदरत है जी कुदरत है मैं उही तो कहना इंग्लैंड वाले अफगानिस्तान वाले ने हराता ये भी यंत्र बिच ही पा लियो क्योंकि देखो परमात्मा जे परमात्मा ने किसी की मदद करनी है किसी का घर कच्चा है जो किसी 10,000 रुपये की लोड़ है रब आप नहीं आता पैसे देने वो किसी ना किसी बंदे की ड्यूटी लाता है उन्होंने 1,00,000 रुपया अमीर कर दिता है तो बाद चो समत बख्शद जाके वो दसबंध कट 10,000 रुपया दे दे घर पवा दे जे वह तो पवा लिया जे तो उन्हें पवाता घर तो 10,000 ही दिता 90,000 तो बच गया फिर भी जे नहीं दिता भी नहीं है तो मेरे पैसे ने मैं नहीं किसी करता रब कहता कोई गल नहीं 1,00,000 ही रख लवर 1,00,000 ही रहूगा मैं किसी होर की ड्यूटी ला दूंगा सो परमात्मा काम लैंदा थोड़े तो
परमात्मा ड्यूटियां लवाउंदा है। अपने सियाने कहिंदे आ जिहड़ा चुंझ दिंदा है वह चोगा भी दिंदा है। तुसीं पंछियां ने चुंझा देखियो अलग अलग आकार दियां ने। बगले की चुंझ बहुत लंबी होंदी है क्योंकि उहनूं थल्लों कढ़णियां होंदियां मच्छियां। चिड़ी की चुंझ छोटी जी होंदी, उहनें उपर दाणे जिहड़े पैणे उह खाणे होंदे ने। उह इक चक्की राहा होंदा, उहदी चुंझ जिहड़ी है दरख्त च गली कढ़ दिंदी है। मतलब परमात्मा ने हर एक बंदे नूं, हर एक जानवर नूं, पंछी नूं कोई ना कोई हुनर दिता है। ये उसे दी क्रिएशन है सारी। तो जे जिम्मेवारी कोई दिंदा है परमात्मा तो उन्हें निभाउण दा बल भी दिंदा, बल भी बख्शदा, सच्ची नीयत होवे बस। रल मिल सईयां पाणी नूं गईयां, मुहम्मद बख्श दा कलाम है, बड़े वड्डे सूफी शायर होए ने। रल मिल सईयां पाणी नूं गईयां, कोई कोई मुड़पी भर के जिन्ना भर के सिर ते धरिया वह पैर धरन दा डर के। ये पानी की गल नहीं कर, इत्थे सूफी शायर कहिंदा है कि परमात्मा हरेक का घड़ा नहीं भरता जिम्मेवारी वाला, कोई कोई मुड़पी भर के। किसी किसी जिम्मेवारी वाला घड़ा भरता है वह, तो जिन्हों जिम्मेवारी वाला घड़ा मिल जाए, जिन्हों का घड़ा भरया गया उन्होंने बोझ बोझ के संभल संभल के पैर धरने पैंदे है कि घड़ा ना टूट। अगे लिखते हो कहने मैं अन्ना ते तिलकन रस्ता ते देवे कौन संभाला, धक्के देवन वाले बहुते एक तू हाथ पकड़न वाला। धक्के देने वाले बहुत है, रस्ता तिलकन है, मैं कहना अन्ना, सो उ रखता फिर। सो इस गल मैं तो बहुत यकीन करता कि परमात्मा ने करोड़ों लोगों दिया सच्चिया नीतों दिया अरदासा दुआवां सुनिया ता कि इन्हों को खैड़ा छुटिया जिहड़े पंजाब नूं लुट्टी जांदे सी। हुण पंजाब लीह ते आउंदा जांदा, तुसीं आप इस गल दे गवाह बणोगे होंगे। क्योंकि मैं जदों कोई भी काम करदा, कोई भी लोक पक्षी गल करदा, जां कोई भी फाइल साइन करदा, मेरे दिमाग च वलंटियर होंदे ने। मेरे दिमाग च तुसीं होंदे हो कि आह फैसला करूंगा तां होर लोकां नाल अखां नाल अख मिला के कह सकणगे आह साडी सरकार ने आह करता आह। क्योंकि मैं तां हर रोज लोगों नाल अखां अखां मेरी मिलदियां नहीं, चलो स्टेज तो मिल जाने जिन्हें भी वध तो वध कोशिश करते हैं, पर तुसीं तां हर रोज उन्हां दे घरां च जाने हो ना, थोड़े मत्थे लगते हर रोज़ हो लांबे ना देर तुसीं उन्हां नाल वादे किए हुए कि सानू तुसीं वोटां पा के दिखाओ ऐ कर देंगे। तो फिर जदों तुहाडियां अखां दे विच चमक आउंदी होगी, तुहाडा सीना चौड़ा हुंदा होगा, जदों आम घर कुड़ियां सब इंस्पैक्टर बनदियां ने, जदों आम घर के मुंडे कुड़ियां पटवारी लग के पिंड आउंदे ने लड्डू ते जलेबियां की कढ़ाई चढ़दी है, जदों आम घर के धीआं पुत जज बनते हैं, उदों तुहानूं लगदा होगा यार हाँ कुछ तां कीता पंजाब ने। मैं तुहानूं पहलां भी कहिंदा रहा सी तुहाडा नाम हिस्टरी च लिखा जाऊगा, हिस्टरी च लिखा जाऊगा। पहली गल तां लिखा गया कि 2022 दे विच जदों पंजाब पार्टी ते चढ़िया ता कौन कौन उस मुहिम दे विच शामिल सी, तुहाडा सारे दा नाम होगा उहदे विच कि तुसीं उहदे विच सी। नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड वाले बंदे आए, अरविंद केजरीवाल जी का किड्डा वड्डा सुपना सी अफसरी छड्ड के राजनीति च आ गए। अफसरी च सलूट पैंदे सी इहदे पिंड च, ते लोग हसन लग जाते हैं उन्होंने। मैं एक बार मेरा नाम लिया, एक बार जिंदाबाद का नारा लाता एक रैली मैडम से, मैं कहा जगराऊं कोई पिंड सीगा, ते वो लोग हसन लग गए। मैं कहा हस्यो ना, कोई नहीं बुला लूंगा स्टेज पर, क्या पता किस भेस में नारायण मिल जाए, कोई पता नहीं रब कि भेस च फिर टेस्ट लेंदा। सो इस करके जो आया उसकी इज्जत करिए, मान सम्मान देइए, बजुर्गों मान सम्मान देइए। और बाकी रह गए शिकवे, शिकवे वाली गल मैं तुम्हें दसदा। एक गल याद रखियो, एक पिंड दे विचों तीन बंदे आपां अपने घरों निकले, एक पिंड दे पिछाड़ों, एक पिंड दे उरले पासे, एक परले पासे। सवेरे 4:30 बजे खेत जाण नूं निकले, काली बोली नेरी आ गई, बहुत ज्यादा स्पीड ते हवा आ गई, तीनों चक के एक खूह च सुटते हवा ने। जो थोड़ा दिन जा चढ़िया, तिना ने आपस देखिया, तिने ही ना पिंड च एक दूजे नाल लड़े हुए सी,
बोलते नहीं सी, फूज भी नहीं बोले, हरेक नूं आई आकड़ रही भी मेरे घर दे होणगे मैनूं कढ लैणगे रह जाणगे, तिन्नी यही सोची जाण। दुपहरा जा हो गया कोई ना आया, दुपहरा पिछला पैर हो गया कोई नहीं आया, जदों शाम जी होण लगी सूरज ढलण च लगा, एक ने बिचों कहा कहना यार देखो गल सुनो आपां पिंड च बोलदे नहीं, ये तो पक्का पता भी आपां आपस च लड़े हुए हैं, पर कहिंदे एक गल कर लैणे अज इत्थे तिन्ने कट्ठे रौला रूड़ा पा के एक बारी खूह चों बाहर निकल जांदे आ, बाहर जाके फिर नहीं बोलांगे यार, इह कड़ी गल है, एक बार खूह चों तां निकलीए। सो इस करके थोड़े च भी लड़ाइया होणगियां, थोड़े च भी एक दूजे नाल बोलदे होणगे, पहलां पंजाब नूं तां आपां कढ लिया चलो भ्रिष्टाचारी वाले बेरोजगारी वाले गुंडागर्दी वाले खूह चों पंजाब नूं कढ लिया, हुण देश नूं कढणा है, देश नूं कढण वास्ते अपने छोटे छोटे जिहड़े छिकवे ने उह बाद च कर लिओ, पर केरां देश नूं तां नंबर वन बना लईए ना। इस करके शिकवे होना भी लोकतंत्र की निशानी है। मैं अज इन्हां नूं गवर्नमेंट के कामां बारे तो तुसीं सारे जाणदे हो, बिजली के बिलों तो लैके नौकरियां हुण आने वाले दिनों होर भी नौकरियां कढ रहे हां, ते आ एरिया जिहड़ा ये तो बहुत ज़्यादा डिवेलप होगा, इत्थे कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, दुनिया भर दियां बहुत बड़ियां बड़ियां कंपनियां दो तीन तो आ भी गई, हॉलैंड वाले आ गए, रॉयल नी हाउस वह कैटल फीड बनाते हैं राजपुरे को लाया, टाटा स्टील वो पहाड़े के नेड़े उन्होंने उद्घाटन करता 2600 करोड़ रुपया ला रहे हैं, इस तो अलावा जी बर्बियो कंपनी है एक पराली तो ग्रीन एनर्जी बना लहरगा के कोल है, होर बहुत सारिया कंपनियां आने वाले दिनों आ रही ने, कम मिलेगा 2,90,000 के करीब मुंडे कुड़ियों को काम मिलेगा वो जड़िया फैक्ट्रिया। फिर आपने हुणी गवर्नमेंट वालों आटा दाल जी स्कीम है उन्होंने घर घर डोर डिलीवरी वो शुरू कर लगे आने वाले दिनों च, ते नाल होर सर्विसिज भी जिहड़ियां ने वह भी इंटरनेट ते जा समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस भी कई महकमे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो बिल्कुल अपडेटेड पंजाब मिलेगा जी थोनू, सड़क सुरक्षा फोर्स एक नवी पुलिस बनाई है, सड़क सुरक्षा फोर्स बस गड्डिया दे ऑर्डर हो गया, टोयोटा की गड्डी है हीलिक्स दुबई की पुलिस को होंगी है वो देवे 129 गड्डिया उन्होंने वो देवे, सड़क के उत्ते तुम हैरान हो जाओगे, पहला मैं 2018 च डाटा कढ़ाया सी उदो एक दिन के 14 सी, हुण वध गए हुण एक दिन के लगभग 20 बंदे हर रोज ऑन द स्पॉट पंजाब च सड़क पर मरते हैं, 20 जिहड़े जख्मी होंदे आ कई रीढ़ की हड्डी टुट गई वह मरियां जिउंदियां च, 20 नूं कर लो 600 हो गया महीने का, 12 नाल गुणा करिए 7200 बंदा, 7000 तो वध बंदा सड़क पर मर जाता है, क्योंकि कोई कंट्रोल ही है नहीं, कोई पता ही नहीं है की करना है किवें करना है। वो जिहड़ी SSF होगी सड़क सुरक्षा फोर्स होगी वह सड़क पर काम करेगी, बस वह सड़क की पुलिस होगी, कोई गड्डी खराब होगी कोई ट्रक खराब हो गया कोई तूड़ी ट्राली खराब होगी वो टोचन करके उन्होंने साइड से कर देंगे, उन्होंने कोले गैस कटर होंगे एक्सीडेंट हो गया कोई हजे जिंदा है उन्होंने गैस बैल्डिंग ना वढ़ के उन्होंने ताकी कढ़ना है, उन्होंने कोले कटर होंगे उन्होंने कोले सारा कुछ होगा और कैमरे लगे होंगे उन्होंने आपके भी गड्डी दे भी और सारा जेड़ा चलान करना या कुछ करना कैमरे के सामने करना पड़ेगा बोनट के कोल आके ताकि कोर्ट के बाद कोई ये ना कहे कि मेरा गलत चलान करता सी। सो जे आप 25% से भी ले आंदा समझ लो जी 3500 बंदे की जान बचा दी, 3500 बंदे की जान बचानी कितनी बड़ी परमात्मा, आपी हाँ साढ़ा तो जिमीदार जोड़ा अन्नदाता जो किसान है वह खेत च भी दाने छड़ दिंदा पंछियों वास्ते जनौरों वास्ते असीं तो लोग हाँ। सो वो भी SSF आ रही है बड़ी ऐसे महीने के महीने डेढ़ महीने के लॉन्चिंग हो जूगी, हर 25 किलोमीटर बाद थोड़ा गड्डी आँदी या जाती मिलिया करूगी भी आह पुलिस फिरती है, ये दूजी पुलिस तो भी थोड़ा भार घटूगा, उन्होंने बहुत टेंशन ने जी, वो तो देखो सस नूं दे झगड़े उन्होंने कोले जमीन के झगड़े उन्होंने कोले किसे नहर च लाश तरी जाती है जाती है जी तो वह कढ के लियो एक्सीडेंट हो गया जी उत्थे जाओ कैदियों लेके जाओ जी अपना उत्थे
कोर्ट के विच कोर्ट चो फिर वापस छड़ गया वो पेशी तो उन्हें कैदी नूं जेल च ये काम भी खत्म कर लग्या इनू भी ऑनलाइन कर लग्या किसी पुलिस वाले नूं कोई कैदी नूं लेके जाण दा या कोई होर वो नहीं पऊगा वो ऑनलाइन असीं सर्विस शुरू करन लग्गे आं ते ताकि पुलिस जिहड़ी है वो तो थोड़ा जिहा भार कटे ये भी अपने पुत भतीजे ने इन्ना ज़्यादा प्रैशर है डिप्रैशन च रहन लग गए सो इस करके आपां सारे इकट्ठे होकर पंजाब नूं नंबर वन बनाउणा है और हाँ आ जिहड़े एक जिवें हुण मोदी है मतलब आपां उह तां करदे ही नहीं काम हुण देखो जिहड़ियां नवीं पार्टियां होंदियां ने उह कई वारी नंबर च तां घट रहि जांदियां ने पर उह वड्डियां पार्टियां दा एजेंडा रीसैट करा लैंदियां ने वड्डियां पार्टियां नूं सोचणा पैंदा यार इह ना अगे आ जाण आ गए ना हुण मोदी वी लग गए ना कहण गरंटियां मोदी की गरंटियां आ गए ना लियांदे ना थले फिरदे ना अमित शाह होरी घर घर परचे वंडदे पहला उतरदे सी जहाज चुकदे हुण आए अरविंद केजरीवाल जी ने लियांदे थले उन्हें कहा सी पहली जो पार्टी बनाई सी कि राजनीति करने नहीं बदलने आए हो तो बदल के तक दिया राजनीति देश की अज वो दूजिया पार्टियां भी कहदियां ने पलंटियां नूं टिकटां दिओ ओए बाले बाले कि इधर उधर रिश्तेदारां नूं दई जाऊंगे गल बननी नहीं सो बहुत सारा फायदा हो गया हुण देख लो जदों बजन लग गया खतरे दी घंटियां उदों बीजेपी नूं याद आ गया केजरीवाल दी गरंटियां हुण अच्छा फिर लॉलीपॉप दिंदे ने एक तां देता 200 रुपया कहिंदे जी सिलेंडर सस्ता करता ये नहीं दसदे महंगा कितना कीता सी अच्छा आपां की है इन्हां नूं ऐ वी जनता की मैमरी घट हुंदी है आखिरी दो तीन महीने याद रहिंदे चीजां बाकी भुल जांदे ने इसे करके मैनू भी कहे सी यार ये पहले ही काम करन लग गया पहले दिन तो ही ये काम तो आखिरी साल च करदे हुंदे ने अजे तक काम ही करना है जी वो अज करना मैं तो कहना पहले बहुत लेट होए पे हाँ कोई फाइल साइन होने तो ना रह जाए वो मेरे साइना करके कोई पुल का उद्घाटन ना रह जाए मेरे साइना करके किसी की नौकरी ने कितने लेट हो जाए सो मैं इस पक्षों चाहे मैं तो मैं दिन च 500 फाइल साइन करने पवे मैं साइन कर दा तब सरकारी कामकाज बिल्कुल अपडेट रखे है सो ये लॉलीपॉप देंगे ये वो गल है किसी के घर कुड़ी का विआह सी घर वधिया सी जिमीदारां दा उन्हें कहा भी कुड़ी नूं आपां इक्को इक कुड़ी है धूमधाम नाल करांगे विआह सोने दे जेवर बना ले टैलीविजन वड्डे वड्डे बैड अलमारियां सारा समान इकट्ठा कर लिया कल नूं बरात होनी सी अज रात नूं डाकुआं नूं पता लग गया वी इस घर च माल बहुत पिया आ गल सुणियो किवें सर ये जिहड़े जुमलेबाज ने किवें बणाउंदे बुद्धू लोकां नूं ते ट्रक लियाए वो डाकू लड़की वाले परिवार को सारे एक कमरे च बंद करके बाहरों कुंडा लाता समान खोलिया कहते कौन सी लड़की की शादी है वो बेचारी डरती डरती उठी जी मेरे मेरी शादी है डाकू ने जेब च हाथ पाया 100 रुपया कट के कहना लै बेटा शगन है परमात्मा तेरी लंबी उम्र करे मंगलमय हो तेरा जीवन 100 रुपया दे गया सिर परोसता अगले दिन पुलिस आ गई ਉਹ ਟੱਬਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ FIR ਲਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ 200 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵੇਚੂਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕੋਈ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਵੱਡੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲੈ ਲਈ ਭੁੱਕੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ
मैं अपनी सूरत च कदे इदां लेट नहीं देखिया। जिहड़ा 2020 च 3 महीने पहला वोटां तों टीवी दे आ के कहिंदा दिल्ली दे लोकां नूं कि अगर मेरे पौने 5 साल की काम पसंद है तो मुझे वोट दे देना वरना मुझे वोट मत देना, यह कहना इहदे वास्ते चेहरा चाहिए जी आ गल कहण वास्ते, इहदा मतलब कीता होगा कुछ ने काम ताइयों कहिंदा। ताइयों मैं इत्थे मैं 1 नवंबर की जिहड़ी डिबेट बुलाई है मैं ताइयों बुलाई है भी आ जाओ उत्थे आपां गल कर लांगे साहब कर लांगे। जे मैं किसी कोलों कहना होवां मैं क्यों बुलाऊंगा जी, फिर पहली बार है कि सरकार बुला रही है विरोधी पार्टियां नुक्स कढ रही बहाने ला रही ने। आम तौर पर विरोधी पार्टियां बुला होंदियां ने सरकार कहती होंगी आह शब्दां ने आह शब्दां ने। सो जे तुसी ईमानदार हो जे तुसी ईमानदार हो फिर तुहानूं डरन की लोड़ नहीं, ईमानदारी सच ये तो बड़ा कोई हथियार नहीं है। ठीक है ना, एक गरीब सीगा मजदूर उन्हें सोचा यार जवाक पढ़ा लिए असीं तां दिहाड़ियां करते हैं चल बच्चे ही पढ़ा लिए थोड़ा जा रोटी कर एक डंगली कढ़ा लैंदे आ ढिड बन के गुजारा कर लैंदे। उन्हें की कीता उन्हें खर्चा कटाउणा शुरू करता बच्चे नूं पढ़ाउणा शुरू करता बच्चा पढ़ के जज बन गया। बहुत इलाके च महिमा होई भी जज बन गया गरीब का मुंडा। जिद्दे जज ने अहुदा संभालना सी वो बापू भी चला गया मैं भी जाऊँगा। जज साहब के चैंबर च गए चैम जज साहब बैठे से कुर्सी पर तो बापू ने उहदे मोढ़े ते हत्थ रख के कहा बधाइयां पुत जज बन गया। तू मैनूं एक गल दस इस वक्त दुनिया का सब तो वध खुश नसीब सब तो वध पावरफुल सब तो वध खुश बंदा कौन होगा तेरे नज़र च? वो जज साहब कहते मैं बापू जी मैं हाँ जिन्हों मर्जी छड़ सकदा जिन्हों मर्जी मैं सज़ा दे सकदा मैं पावरफुल हाँ सब तो वध। फिर उन्हें पूछा कहिंदा पुत फिर दस दे इस वक्त सब तो वध खुश नसीब सब तो वध पावरफुल ते खुश बंदा कौन होगा दुनिया च तेरी नज़र च? कहना जी मैं हाँ। कहिंदा ठीक है जी। दिल टुट गया बापू का चंगा जी बधाइयां। जो गया गेट को जाके फिर पिछे मूँह करके कहिंदा एक बार फिर दस दे इस वक्त सब तो वध खुश नसीब खुश ते पावरफुल बंदा कौन होगा तेरी नज़र च? जज साहब कहते तुसी हो जी बधाई। वो मुड़े आया कहिंदा 15 सेकेंड पहला मैं 2 बारी गल पूछी सी तू आपका नाँ लिया सी हुण तू मेरा नाँ लैण लग गया। तो जज साहब कहते बापू जी जिस वेले तुसी ये गल मैनूं पहला पूछी सी 2 वारी उदों तुहाडा हाथ मेरे मोढ़े ते सी ते जदों तीजी वारी पूछी है उदों तुहाडा हाथ मेरे मोढ़े ते नहीं सी। जे तुहाडे वर्गे बाप दा हाथ मोढ़े ते होवे उह तों वध पावरफुल खुश ते खुश नसीब बंदा नहीं हो सकता। सो इस करके साडे कोले तां गुरु ग्रंथ साहब वर्गे पिता जी ने साडे कोले दशमेश पिता जी वर्गे पए ने। जे उहनां दा हाथ किते अपने मोढ़िआं ते रहे मजाल है दुनिया की कोई ताकत पंजाब नूं तरक्की करन तों रोक दे। सो आपां रल के सारे दुआ भी करिए रल के सारे अरदास भी करिए। सो साडे तां पैर पैर ते साडे कोले शहीद ने साडे कोले फकीर ने संत ने और जिन्हां ने मतलब बड़े बड़े प्रवचन दित्ते है बहुत ब्लैस्ड धरती है अपनी आशीर्वाद प्राप्त धरती है। हरेक पिंड कोई ना कोई चरण शो प्राप्त हैगा कोई ना कोई गुरु आए होण चाहे चाहे कोई उदासियां हुई होण चाहे लड़ाइया हुई होण। सो इस करके मैं तुहानू यही बेनती करदा कि परमात्मा अरदास भी करदा परमात्मा तुहाडी उम्र लंबी करे तंदुरुस्त रहो तुहाडी हजे बहुत लोड़ है पंजाब नू बहुत हजे बहुत चंगे दिन पंजाब ने देखने ने और रंग भरी जाने बुरश चक्या होया रंग रोज भरी जाने तो पंजाब नू परंगला बनावांगे। मैं अरविंद केजरीवाल साहब का इस गलों कि वह साढ़े नैशनल कन्वीनर ने उन्होंने भी इस गलों धन्यवाद करना कि वह जो भी पंजाब वास्ते उन्होंने कहने कि अज इतें आओ जी अज इतें आ जाओ जी तो वह कहें पंजाब में तो कहें भी आना ही आना मैं मैं मेरा दिल लगता पंजाब जाके क्योंकि क्योंकि ग्लोबल सिटीजन आप सारी दुनिया पंजाबी रेंदे हैं तो जिथे भी रेंदे है वह भला ही मंगते हैं कुड़ी भावें जिन्हें मर्जी बड़े घर च वेही जाए पर वो हमेशा यही अरदास करती है मेरे पेकों वाले पास्यों ठंडिया हवावां दे बुल्ले होने चाहिए जिहड़े परदेसां च रहिंदे ने अपने आप उन्होंने पेके आ वह भी सवेरे उठ के सब तो पहला यही देखते हैं कि पंजाब शांति अमन तरक्की हो रही है कोई अनसुखावी घटना तो नहीं होगी। सो अपना बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार च होर परमात्मा पाता करे और अज तुसी एक नवी जिम्मेवारी संभालन चले हो तुहानू बहुत बहुत बधाइयां बहुत बहुत मुबारकां। और लोगों को अक्सर कहते सुना है
जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलते रहेंगे जिथे मर्जी, उत्थे भी आ जाओ, चंडीगढ़ आ जाओ, करो कोई कोई काम कार है इतने डिप्टी कमिश्नर या कितने साढ़े लोकल MLA ने कोई भी काम कार किसी होर का किसी का काम है वो भी लेके आओ, क्योंकि अपने ना तो अपना रिश्वत लेनी है ना अपने कोई गलत काम करना है, मैरिट वाला काम आप छड़ना नहीं। सो इस करके आने वाले दिनों बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां पंजाब नू पंजाबियों नू मिलने वाली ने। दोनों हाथ उपर चक के दो नारे ला दिए, इनकलाब थोड़ा होर थोड़ा होर इनकलाब बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी इन्ने प्यार सत्कार इज्जत नाल मैनूं सुनिया, जिउंदे वास्ते रहो, आराम नाल आपां हुण सौं चुक समागम करांगे, उस बाद आराम नाल जायो घरां नूं, और दिवाली दी बहुत बहुत मुबारक, दिवाली दे दीवे जिहड़े ने ओह सारे घरां दे विच रोजगार का चानण लैके आउण, विद्या का चानण लैके आउण, तरक्कियां का चानण लैके आउण, सारे वास्ते रहिंदे रहो।